ममता बनर्जी के चुनावी ऐलान पर कई सवाल उठ रहे हैं। फ्री टीका देने की झड़ी लगाने पर सभी हैरान हैं। उन्होंने कहा मैंने डेंगू मलेरिया का टीका फ्री दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि डेंगू मलेरिया का टीका भी मैंने फ्री दिया। हकीकत यह है कि इन बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन अभी नहीं बना है। ममता ने कोरोना टीका भी फ्री देने का ऐलान किया। हालांकि आज उन्होंने अपने भाषण में एक बात और कही कि बिहार में इलेक्शंस के समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एनडीए की सरकार आई तो सबको फ्री टीका मिलेगा। तो अगर रिवाज ही बन गया है चीजें कह देने का, सिर्फ कह देने का, तो ममता उसमें पीछे क्यों रहे। उन्होंने कह दिया कि हमने तो टीका दिया डेंगू का और मलेरिया का भी। कोविड इंजेक्शन दाओ साधारण मानुष के, आमादेर हाते नहीं, ओटा सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ना दिले होबे ना। आमी बोलछी आमी टाका देबो, तुमी आमाके दाओ, नरेंद्र मोदी दिच्छे ना। आबार देखुन कोविड शुरू होयेछे, केन दिच्छेन ना? आजके जदि आमी सबाइके टीका दिते पारी, पोलियो टीका दिते पारी, आमी मैलेरिया टीका दिते पारी, आमी डेंगू टीका दिते पारी, ताहले आमी कोविड शील्डेर टीकाओ दिते पारी। संजय जी ये क्या था, इनका वैक्सीनेशन हो गया क्या? इनका वैक्सीन भी आ गया, लोगों को पता ही नहीं है। देखिए मैं आपकी बात पर आता हूं, उसके पहले मैं कुछ बेसिक बात आपको कहना चाहूंगा। आज ये वामफ्रंट के मित्र जो कह रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, इनकी बातें बहुत एक दूसरे से काफी मिल रही है, लेकिन बंगाल की जनता और देश की जनता जानती है कि जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद क्या क्या काम किए हैं। आज के इस घोषणा पत्र में पश्चिम बंगाल वो पहला राज्य है और दीदी वो पहली मुख्यमंत्री है जो कुछ दिनों पहले केंद्रीय नीति आयोग में जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही थी, आज दीदी ने उस मामले में पहल की है। और ये भारतवर्ष के किसी भी राज्य के लिए भारत में शुरू हुई ये पहली योजना है जिसमें प्रत्येक साधारण परिवारों को सालाना 6,000 रुपए करके अनुदान दिया जाएगा और SC ST के परिवारों को 12,000 रुपए करके दिए जाएगा। ये जो युगांतकारी पदक्षेप एक दीदी ममता बनर्जी ने आज प्रारंभ किया है, ये इस घोषणा पत्र में जो बात कही है ये आने वाले दिनों में लागू होगा और बंगाल की सर्वधर्म संभाव की और सर्वे भी तो युगांतकारी है जो हमारे मंत्रों में कहा गया सर्वे। संजय शर्मा जी बहुत अच्छी बात है, युगांतकारी योजनाएं हैं, लेकिन ये डेंगू और मलेरिया का टीका बन गया, ये स्टेटमेंट भी युगांतकारी है। और ये अगर टीका दे सकती हूँ तो कोविड का भी दे सकती हूँ, ये भी स्टेटमेंट युगांतकारी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इस बात से आज घोषणा पत्र जो लागू किया, जो घोषणा पत्र की जो बातें कही गई है आप उसमें एक बार ध्यान दीजिए तो आपको लगेगा कि जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने आज अपने घोषणा पत्र में राज्य के सामग्रिक विकास की आधारशिलाओं को एक बार फिर से चिन्हित किया है और आने वाले दिनों में उन्हें पूरा करने में अपना योगदान। संजय जी आज आपने नाश्ते में जलेबी खाई थी क्या? नहीं मैंने तो रसगुल्ला खाया था। और हमारे वो भी गोली होता है, गोल गोल मत कीजिए ना, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। नहीं राज्य की मुख्यमंत्री जिम्मेदारी वाले बयान दे रही हैं तो उसमें ये क्यों कह रही हैं कि मलेरिया डेंगू का टीका दिया तो ये भी दे सकते। मलेरिया डेंगू का टीका कब आ गया? वो आप भाषण ठीक से सुनिए, उन्होंने जो कहा है इलेक्शन चुनावी मंच में एक बात कही है, उस बात को आज आप इस विषय पर जब घोषणा पत्र हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें उस बात को कृपया न मिलाएं। एक बार सुन लेते हैं, हो सकता है आप जो कह रहे हैं ना कि संदर्भ कुछ और हो, हमने समझ कुछ और लिया हो, एक बार सुनते हैं। আমি বলছি কোভিড এ ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে, আমাদের হাতে নেই, ওটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পারমিশন না দিলে হবে না। আমি বলছি আমি টাকা দেব, তুমি আমাকে দাও, নরেন্দ্র মোদী দিচ্ছে না। আবার দেখুন কোভিড শুরু হয়েছে, কেন দিচ্ছেন না? আজকে যদি আমি সবাইকে টিকা দিতে পারি, পোলিও টিকা দিতে পারি, আমি ম্যালেরিয়া টিকা দিতে পারি, আমি ডেঙ্গুর টিকা দিতে পারি, তাহলে আমি কোভিড শিল্ডের টিকাও দিতে পারি। ফিক্র আপকি সোমবার সে শুক্রবার রাত 9 বাজে সিফ টিভি 9 ভারত বর্ষ পর।